मेरी बचपन से मैं एक ही मतलब कहानी सुनती थी, ये लड़की है शादी कैसे कर पाएंगे, शादी कैसे कर पाएंगे, हमारे पास तो पैसा नहीं है, लड़की है लड़की है। मैं ये बात सुन सुन के बहुत मतलब बड़ी इरिटेट हो जाती थी, यार कितना बोल रहे शादी शादी शादी। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे बड़ा गुस्सा आता था। सारे लड़के के ऊपर मुझे मतलब नफरत ज़्यादा थी। एक तो शादी के लिए बोल रहे थे, ऊपर से बोल रहे थे कुछ काम नहीं करती थी, मेरे पापा दादी माँ बोलते थे मतलब ससुराल वाले जला के मार देंगे, मार के टांग देंगे, मार के घर से निकाल देंगे, ऐसे करके मार देंगे वैसे करके मार देंगे। बहुत ही ज़्यादा डर लगता था ससुराल के बारे में। मैं सोचती थी इतना खतरनाक है ससुराल वाले तो मुझे शादी नहीं करनी। क्या मजबूरी है मेरी, मुझे शादी नहीं करनी, नहीं जाना दूसरे के घर, क्यों जाऊँगा जब मेरा घर यही है, मुझे इधर ही रहना है। मेरे घर वाले बोलते थे ऐसा तो नहीं होगा, लड़की मतलब कंपलसरी दूसरे के घर में शादी करके जाना पड़ेगा। मुझे बड़ा मतलब अजीब लगता था, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा था। शादी में मतलब 1% मुझे इंटरेस्ट नहीं थी। मैं किसी भी कीमत पर शादी करना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कुछ या तो पढ़ लिख के कुछ कर लूँ। अगर पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकती, आई एस अफसर नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई मजदूर का काम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। कोई छोटा सा काम हो, चाहे गाय का गोबर निकालो, बर्तन क्लीन करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे काम ज़्यादा चाहिए था और महीने भर के बाद मुझे पैसा चाहिए था, लेकिन कभी चांस नहीं मिला मुझे। जब हमारी घर में मतलब कोई आता था लेबर मजदूर आते थे काम करने के लिए, मैं सोचती थी यार कितना इजी काम है, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, वो काम करके पैसा लाके चले गए। मैं बोलती थी घर वालों को ये पैसा मुझे दे दो, मैं काम कर देती थी। मेरे घर वाले बोलते थे नहीं नहीं प्रेस्टीज चला जाएगा, मजदूर का काम है तुम कैसे करोगे। लेकिन हमको एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए घर में पैसा नहीं होता था, सारे पैसे लेके चले जाते थे। मैं मतलब दुख करती थी, कोई पैसा मेरे पैसे हाथ में आता तो मैं अच्छे से खाती पीती पहनती एंजॉय करती सब जैसे, लेकिन वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि घर वाले साथ नहीं दे रहे थे। ऐसे कर कर के वो एक दिन क्या हुआ, मेरे बड़ा भाई और पापा के बीच में लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ जोर के मुझे लेके, मेरी शादी को लेके। यही बोल रहे थे कि लड़की है, दो दो लड़की है, थोड़ा सेविंग करना चाहिए, थोड़ा इनकम करना चाहिए, कुछ नहीं करो तुमको टेंशन नहीं है, ऐसे भैया गुस्सा कर रहे थे। मेरे पापा बोल रहे थे तुम लड़का हो तुमको ये करना है वो करना है, ऐसे दोनों के बीच में मतलब बहस हो रहा था, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। ये मेरी शादी को लेके बहुत बार झगड़ा होता था ऐसे घर में, जब भी देखो सबकी मम्मी वो शादी 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 ऐसे बोलते थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तक मैं बोल रही हूँ क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाती थी मैं, सज धज के नहीं रहती थी मैं, यही चाहती थी कि कोई मुझे पसंद ना ना करे, मैं किसको नहीं देखती थी। और मैं यही चाहती थी कि मैं कोई भी मुझे आके प्रपोज ना करे, कोई मुझे प्यार ही ना करे, हो सकता है कभी मना करूँ कोई जाके मर जाए, मैं भी नहीं चाहती थी मेरी वजह से कोई मरे या किसी वजह से मैं मरूँ, मुझे दूसरे से कोई लेना देना ही था ही नहीं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जब मैं घर में बैठ गई तो इतना ज़्यादा होने लगी मैं, उसके बाद कंप्यूटर का कोर्स किया। उसके दौरान घर के बाजू में जो दो लड़के थे, दो फ्रेंड थे, वो साथ में हम साथ में तीनों मिलकर जाते थे, वो सजदत के रहते थे हमेशा। मेरी मम्मी दिखाती थी सबको, देखो सब लोग कैसे सजदत के रह रहे, कोई अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फिर भी वो सजदत के रहते, कर रहे हो वैसे करो, कुछ नहीं करो, पागल जैसे घूम रही हो, ऐसे बुढ़ी जैसे घूम रही हो, हमारी बात नहीं सुनते हो, हमको प्रेस्टीज नहीं देते, सबकी माँ की बातें उनके बच्चे मानते हैं सुनते हैं, तुम तो कुछ सुनते नहीं हो, ऐसे मेरी माँ मतलब 24 घंटे बोल के मतलब रोती थी। चलो ठीक है तो मेरी माइंड मैच्योर हो गई है, अब कोई बोलेगा प्यार करते हैं नहीं मर जाएंगे, मैं बोलूँगी मरना है तो मर जाऊँ, मुझे कोई लेना देना है नहीं, मैं तो नहीं पटने वाली। हाँ उसके बाद थोड़ा मैं सजने सजने लगी। एक दिन क्या हुआ, मैं बोल रही थी ना पापा भाई के बीच झगड़ा होने लगा, मैं सोची चलो यार हमेशा मुझे लगे झगड़ा होता है, मैं आज खुद को ख़त्म ही कर लेती, मैं मर जाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए इसी ज़िंदगी। एक तो मेरे ड्रीम के बारे में किसी को कोई ख्याल नहीं है, मैं चाहती हूँ ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करूँ, कुछ जॉब करूँ, कुछ पैसा कमाऊँ, घर वालों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमेशा शादी शादी लेके मतलब जान मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं और मैं मर जाती हूँ, ये सोच के मैं हमेशा की तरह उस दिन मैं कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में पैदल जाती थी, कॉलेज में क्लास ना करके कॉलेज क्रॉस करके मैं चले गई। एक तब हमारी मतलब घर से वो 5 किलोमीटर की दूरी पर था वो हॉस्पिटल,
मैं पैदल गई थी, पैदल भी आई थी। वो उधर एक मेडिसिन स्टोर था तब, अब तो मतलब पास पास मेडिसिन स्टोर ज़्यादा हो गया है, कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तब नहीं था। बहुत दूर में एक मेडिसिन स्टोर था, मैं देखी थी, उधर जाके मैं पहुँच के तब मैं क्लोरोपिन मतलब खाते थे मलेरिया के लिए। मैं जाके बोली, वो बोले तुमको कैसे मालूम तुमको मलेरिया है? मैं बोली मुझे मालूम है, मुझे ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। बोले प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ डॉक्टर का, तब जाके देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ये हमारे ऊपर रिस्क है। बोले प्लीज़ दे दीजिए, वो हमको दिखाने के लिए टाइम नहीं है, हम पैदल आए हैं, घर भी जाएंगे, इतना दूर है घर, हमको फीवर है सच में, कुछ नहीं। बोले वो एक ही खाना, वो सारे मतलब इंस्ट्रक्शन बता दिए, ऐसे ऐसे नहीं खाना। बाद वो मेडिसिन हमें दे दिए, हमको तो पैसा चाहिए था, हम पैसा देंगे। फिर वापस आ गए, मूड फुल ख़राब था मेरा, वापस हम सोच सोच के आ रहे थे आज रात को हम मरेंगे, पता नहीं कल घर वाले कितने रोएंगे, क्या करेंगे, ऐसे सोच सोच के आ रहे थे। मैं बोले चलो ठीक है, रोएंगे तो कोई बात नहीं, कुछ दिन के बाद वो भूल जाएंगे, लेकिन मेरी वजह से किसी को टेंशन नहीं होगा, हमेशा पैसा पैसा मतलब करते हैं, किसके पास कोई पेशेंस नहीं है, मतलब ज़मीन जायदाद तो है, पैसा नहीं तो क्या हुआ, हम बेच के बच्चे को पढ़ा सकते हैं, शादी करवा सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनको वो आइडिया नहीं थी। वो हमेशा देखते हैं इनकम नहीं है, पैसा नहीं है, वो ज़मीन को मतलब वो मिट्टी जैसे समझ रहे थे, मतलब मिट्टी है वो पैसा नहीं होगा, कितना पैसा होगा, उतना पैसा में कुछ नहीं होगा। तो मैं रात के इंतज़ार की, सब लोग खा पी के सो गए, मैं खा पी के बिस्तर, पता नहीं खाई थी नहीं खाई थी याद नहीं आ रहा, मैं बिस्तर में गई, शायद खा ली थी मैंने, हाँ शायद खा ली थी मैंने। मैं सोची भूखे पेट क्यों मरना, आज खा लेती हूँ फूल, खाने के बाद खा के मैं मर जाती हूँ। खा पी के सब लोग को बिस्तर में गए, हम जाके वो मेडिसिन सारे स्ट्रिप खा लियो, तो मतलब मेडिसिन खराब मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है, कभी भी बीमार पड़ती हूँ तो मैं बोलती हूँ मुझे इंजेक्शन लगा दो, मुझे मेडिसिन नहीं चाहिए, मैं मेडिसिन नहीं खा पाती हूँ, तो मतलब क्लोरोक्विन थोड़ा बड़ा बड़ा होता था, उसके बाद मैं मेडिसिन सारे खा ली, सब लोग सो गए थे। उसके बाद हमको चक्कर आने लगा, ज़्यादा चक्कर आने लगा, हाथ पैर में कैसा कैसा होने लगा, आँखें के कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरा सा छा गया, कांपने लगी मैं, मुझे लगा कि अभी मैं शायद 2 मिनट में 5 मिनट में मैं मरने वाली हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, बोले चलो ठीक है, एक बार घर वालों को तो नहीं बता अभी मरने वाले हो तो वो लोग तो मुझे बचाएंगे, मैं कुछ नहीं बोलती, एक बार सबको मतलब पैर छू के आ जाती हूँ, सबको एक बार टच करके आ जाती हूँ, ये लास्ट टाइम है, उसके बाद तो मैं चल ही नहीं पाऊँगी, मुझे लग रहा था, तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, बहुत मुश्किल से मैं सबकी बेडरूम में गई, छोटे भाई बहन थे उनको हाथ लगाया, रो रो के हाथ लगाए मैं, वो तो नींद में थे कुछ मालूम नहीं पड़ा, ऐसे भैया को हाथ लगाई, सबको हाथ लगाने के बाद मैं मम्मी के पास गई, उनको पैर को जैसे छुआ मैंने, ऐसे माफ़ कर दो कोई गलती कर लिया तो वो सड़ना के उठ गई, बोले क्या हुआ, मैं बोल कुछ नहीं, ऐसे बोल के वो मैं चलने लगी, जैसे मैंने खड़े होने की कोशिश की, मैं दो बार गिरने गिरते गिरते मैं संभल गई, फिर मैं चलने की कोशिश की तो तीसरी बार मैं गिर गई, मम्मी पूछ रही थी क्या हुआ क्या, मैं बोल कुछ नहीं, मतलब बात करने के लिए भी मुझे नहीं हो रहा था, तब ऐसे लग रहा था मतलब पैरालिसिस हो जाएगा मुझे, आवाज नहीं आ रही थी मेरी, खड़ी नहीं हो पा रही थी, मुझे चक्कर आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं इधर गिर रही थी उधर गिर रही थी मैं। मेरी मम्मी सड़न के उठ गई, लाइट ऑन करके सबको चिल्ला के उठते, बोल रही थी कुछ खा लिया क्या, कुछ खा लिया क्या, मैं बोली नहीं कुछ नहीं है, मैं छोड़ो मुझे जाने दो, मैं से हाथ छोड़ा रही थी लेकिन नहीं हो रहा था, मुझे शक्ति नहीं थी अंदर। फिर मैं चलने की कोशिश की तो फिर मैं गिर गई, मेरी मम्मी उठ के सबको चिल्ला चिल्ला के आवाज़ करके उठा ली, कुछ खा लिया है, इतनी ऐसे बात करते करते मेरी वोमिटिंग हो गई, तो एक दो टैबलेट मतलब निकल आया, वो मेल्ट नहीं हुआ था शायद, वो उसके बाद बोले क्या कुछ खा लिया, कुछ खा लिया, कुछ कुछ खा लिया, जहर खा लिया, कुछ खा लिया, क्या खा लिया, ऐसे बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद मैंने आंखें बंद कर ली और मेरी आंखें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं सोच रही शायद मेरी आंखें मतलब चला गया है, वेस्ट हो गया मेरी आंखें, मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, आंखें मेरे साथ बंद हो गई थी, मैं कुछ दिख नहीं पा रही थी। उसके बाद रो रो के मेरे मम्मी सबको बुलाई, बोले जाके किसी को मदद के लिए बुलाओ, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वो जो ऐसे मेडिसिन खा लिया है, वो स्ट्रिप का मतलब वो कवर जो है ना वो रूम में जाके चेक कर लिया। हमारे तब हमारे पास बाइक नहीं थी,
हमारे घर के पास एक फ्रेंड है, उनके पापा को जाके उठाए, बोले ऐसे ऐसे हमारे बेटे ने कर लिया, गुस्से से खा लिया है, चलो हमारा मदद करो, हम गाड़ी में तेल डाल देंगे, खाने के लिए दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, थोड़ा हमारा मदद करो, नहीं तो हमारी बेटी मर जाएगी। मेरे पापा जाके बुलाने के बाद वो आ गए, नींद से उठ के आ गए, वो फ्रेंड का पापा, मेरे पापा दोनों मुझे गाड़ी में बाइक में बिठा कर बीच में बिठा कर लेके गए हॉस्पिटल। तब वो 8 किलोमीटर का दूरी पर था, लेके गए, कोई नहीं था, ऐसे सबको बुलाए, बुलाने के बाद ट्रीटमेंट शुरू किए, डॉक्टर बोले और थोड़ी देर लेट हो जाता तो हम बचा नहीं पाते, वो पैरालिस जैसे, मतलब उसका बॉडी जैसे जे सलने वगैरह लगा, उसके बाद में ठीक हुई, हो गई, डिस्चार्ज कर दिया मुझे, मैं घर आ गई। बहुत बार मैंने ऐसे कोशिश की मानने की, हो सकता है ये मेरी गलत डिसीज़न हो, ऐसे भी किसी को करना नहीं चाहिए, जब भगवान जान दिए हैं तो जहान का रास्ता तो वो खुद ही दिखाएंगे, लेकिन ये मानने का जो आइडिया है ना, ये गलत है, आपको हारना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है। मान लो हर काम में आपको सक्सेस नहीं मिली, बहुत सारे आपने ट्राई कर लिए, किसी में आपको सक्सेस नहीं मिली, हो सकता है वो कामयाब का रास्ता वो नहीं है, दूसरा है आपका, आप वहाँ तक कभी पहुँचे ही ना है, आप जब तक उधर पहुँचेंगे नहीं तो कामयाब आपको मिलेगी नहीं। सपोज आपको ताजमहल देखना है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, आप सपोज इधर मतलब मुंबई में बैठ के हर गली मोहल्ला को आप छानबीन करेंगे, मतलब हम इतना दिनों से ढूंढ रहे, हर गली मोहल्ला ढूंढ लिए, फिर भी हमको ताजमहल नहीं मिली, तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सही राह पे नहीं जा रहे। जब तक आप सही जगह पे नहीं पहुँचेंगे तो आपको मंजिल मिलेगी नहीं, मंजिल तो किसी को दिखती नहीं है, बस आपको तय करना है किधर जाना है, क्या करना है, लेकिन मरना तो बिल्कुल नहीं है, कितना भी मतलब नाकामी अभी हो, नाकामी अभी मिले, कुछ भी हो, अगर आपको सक्सेस पाना है ना तो एक के बाद एक आपको फेलोर, कोई बात नहीं, कहते हैं ना फेलोर ही तो पिलर ऑफ सक्सेस, आप कितना भी फेलोर हो जाए आपको टेंशन नहीं लेना, हम जिंदगी भर फेलोर होते होते आए हैं यहाँ तक, कोई बात नहीं, तो हो सकता है आगे आपको मतलब सक्सेस ही मिल जाए, आप रहा है आपको मतलब चेंज करना है, ऐसा नहीं कि हम यही रोड पे आ रहे हैं मतलब इधर जाना ही है, हमको इधर ही रोड दिखेगी, हमारी मंजिल इधर ही है, ऐसा नहीं है, आपको घूमना है, रचना करना है, थोड़ा थोड़ा सोचना है हम क्या कर सकते हैं, क्या करके हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, क्या करके हमको सक्सेस मिल सकता है, हमको मतलब थोड़ा अपना मेंटेलिटी चेंज करना है, उसी के हिसाब से थोड़ा चलना है। आप अगर सक्सेस नहीं मिला इस सोच के आप डिप्रेशन में जाएंगे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बस एक ही रास्ता बचेगा मरने के लिए, तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी आपको मरने के लिए मतलब वो आइडिया ना करें, तो नया करने की कोशिश कीजिए, देखना अभी नहीं तो कभी आपको मिल ही जाएगा आपकी मंजिल, आप सक्सेस की मतलब राह पर चल पड़ेंगे ना तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगी, वो सक्सेस के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, वो राह तो दिखता नहीं है, लेकिन सक्सेस पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अगर सबको मालूम पड़ेगा ये सही राय है तो सब किसी को तो मतलब फेलियर मिलेगी नहीं, सारे दुनिया के सारे लोग सक्सेसफुल लोग होंगे, तो ऐसे होता है क्या, नहीं होता है, 100 से 5% लोगों को सक्सेस मिलता है, 95% लोगों को नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलता क्योंकि उनको किधर जाने के बाद सक्सेस मिला उनको मालूम नहीं पड़ता है, कुछ लोग हार जाते हैं, कुछ लोग मतलब राह भटक जाते हैं, और जो थकते नहीं है, रुकते नहीं है, चलते हैं, वो लोग को 100% कभी ना कभी उनका मंजिल मिल जाते हैं, रखते हैं।